बच्चों, कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला। बेसिकली कल हम लोगों ने इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल डिस्कस किया था, एक्स रिस्ट फॉर एल माइनस वन वाई रिस्ट फॉर एम माइनस वन डी एच डी वाई इज इक्वल टू गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस वन प्रोवाइडेड एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एंड जेड पॉजिटिव सॉरी एंड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन। ये हम लोगों ने डिस्कस किया और इस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल बाय यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला। मीन्स इफ वी कंसीडर ट्रिपल इंटीग्रल एक्स रिस्ट पावर एल माइनस वन वाई रिस्ट पावर एम माइनस वन जेड रिस्ट पावर एन माइनस वन डी एच डी वाई डी जेड सिमिलरली वेयर वी इज द रीजन सिमिलरली वी कैन एक्सटेंड अबव फार्मूला फॉर थ्री वेरिएबल दिस इज इक्वल टू गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन बोथ आर सिमिलरली जस्ट थ्री वेरिएबल इज एक्सटेंशन ऑफ टू वेरिएबल मीन्स ये टू वेरिएबल गामा एल गामा एम अपॉन एल प्लस एम प्लस वन एंड फॉर थ्री वेरिएबल एल गामा एन अपॉन एल प्लस एन प्लस वन प्रोवाइडेड अगेन कंडीशन प्रोवाइडेड एक्स पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव एंड x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू वन। दिस इज ए फार्मूला फॉर थ्री वेरिएबल। आज बस हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ वी इंटीग्रेट ट्रिपल इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला। सिमिलरली वी राइट दिस फार्मूला फॉर अनदर वेरिएबल। सपोज वी कंसीडर u raised to power p minus 1, v raised to power q minus 1, w raised to power r minus 1, du, dv, dw. If we consider this value of this integral, we can write gamma p, gamma q, gamma r divided by gamma p plus q plus r plus 1. But condition क्या होना चाहिए बच्चे, देखो पी पॉजिटिव सॉरी यू पॉजिटिव वी पॉजिटिव डब्ल्यू पॉजिटिव एंड और क्या होना चाहिए यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वन। अगेन वी कंसीडर हियर कंडीशन यू वी डब्ल्यू एंड दिस इज ए पॉजिटिविटी कंडीशन। यह डिग्री ऑफ यू इज वन डिग्री ऑफ वी इज वन एंड डिग्री ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन सिमिलर टू टू वेरिएबल प्रॉब्लम्स। इस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली जो प्रॉब्लम मेन आती है बच्चे, सपोज एक्स अपॉन ए रेज टू पावर पी इज इक्वल टू यू देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां से करते क्या हम लोग पावर ट्रांसफर करते हैं। दिस इज पावर ट्रांसफर मींस एक्स अपान ए इज इक्वल टू यू रेज टू पावर वन अपान पी मींस विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए यू रेज टू पावर वन बाई पी विच इंप्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू ए बाई पी यू रेज टू पावर वन बाई पी माइनस वन। कैलकुलेशन केयरफुली करना जब भी आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन आप लेने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सिमिलर एग्जैक्टली सेम है जैसे टू वेरिएबल आपने सॉल्व किया था, वैसे ही थ्री वेरिएबल की प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाएंगे। बट थोड़ा सा हम अप्लीकेशन पार्ट पे भी आज जाएंगे किसका, डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल अप्लीकेशन एरिया में है, वॉल्यूम में है, मास ऑफ सर्फेसिस कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर वन, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स रिस्ट पावर वन एल माइनस वन वाई रिस्ट पावर एम माइनस वन जेड रिस्ट पावर एन माइनस वन डी एच डी वाई डी जेड वेयर एक्स वाई जेड ऑल आर पॉजिटिव
but limited by the condition x upon a raised to power p, y upon b raised to power q plus z upon c raised to power r less than equal to 1. This is our problem. जैसे ही हम इस प्रॉब्लम को देखें, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम लेट कर लिए i इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल x रेज टू पावर l माइनस 1 y रेज टू पावर m माइनस 1 z रेज टू पावर n माइनस 1 dx dy dz. कंडीशन को देखते हैं, x y z all are पॉजिटिव, सो x पॉजिटिव y पॉजिटिव z पॉजिटिव एंड दिस इज कंडीशन. क्लियरली आपको पता है हम डायरेक्ट डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला यूज कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे, पॉजिटिविटी कंडीशन ऑन वेरिएबल सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ से. बट यहाँ आप ऑब्जर्व करो कि राइट हैंड साइड दैट इज ए वन, बट हियर डिग्री ऑफ दिस एक्स अपान इज पावर इज पी, वाई अपान बी पावर इज क्यू एंड जेड अपान सी इज इक्वल टू आर, दैट इज पावर इज हियर आर. जबकि आपको पता है कि जो कंडीशंस होते हैं इसमें क्या होगा, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, वन. तो होल कंसंट्रेशन आपका इस कंडीशन पे होना चाहिए, इसी को कन्वर्ट करना है. जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगेगा. मींस हम लेट कर ले, लेट एक्स अपान ए रेज टू पावर पी इज इक्वल टू यू, वाई अपान बी raised to power q is equal to v and z upon c raised to power r is equal to t. जैसे ही आपने ट्रांसफर किया आपके कंडीशंस हो गई u plus v plus w less than equal to 1. Since x is positive given है आपके प्रॉब्लम में, u भी पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव होगा एंड w भी पॉजिटिव होगा. दैट मीन्स हमारे यदि प्रॉब्लम में एक्स वाई जेड के प्लस पे प्लेस पे यू वी डब्ल्यू यदि रिफ्लेक्ट होगा, मीन्स हम डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अब ऑब्जेक्टिव है कि डिरिचलेट फार्मूला अप्लाई करने के लिए एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट करना, डी एक्स डी वाई डी जेड को कन्वर्ट करना. तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी मैंने आपसे बताया पावर ट्रांसफर करना, एक्स अपान ए इज इक्वल टू यू रेज टू पावर वन बाई पी, पावर ट्रांसफर. यहां से क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए यू रेज टू पावर वन बाई पी, अगेन पावर ट्रांसफर, विच इंप्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू ए बाई पी यू रेज टू पावर वन बाई पी माइनस यू टी. सिमिलरली यहां हम पावर ट्रांसफर करेंगे तो वाई बाई बी इज इक्वल टू वी रेज टू पावर वन बाई क्यू, विच इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू बी वी रेज टू पावर वन बाई क्यू, विच इंप्लाइज डी वाई इज इक्वल टू बी बाई क्यू वी रेज टू पावर वन बाई क्यू माइनस वन डी वी. एंड सिमिलरली जेड अपान सी, मीन्स यहाँ पावर ट्रांसफर करेंगे तो जेड अपान सी इज इक्वल टू डब्ल्यू रेज टू पावर वन बाई आर, जेड इज इक्वल टू सी डब्ल्यू वन बाई आर एंड विच इम्प्लाइज डी जेड इज इक्वल टू सी ओवर डब्ल्यू सी ओवर आर डब्ल्यू रेज टू पावर वन बाई आर माइनस वन डी डब्ल्यू. मीन्स जब भी हम अपने इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे थे पहले हमें ऑब्जेक्टिव ये मिला कि हमको इसको कन्वर्ट करना था. जैसे हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिला हमें यहाँ से x की वैल्यू रिक्वायर्ड थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और क्या रिक्वायर्ड था, dx रिक्वायर्ड है. दोनों हमने uv के टर्म्स में कैलकुलेट कर दिया. यहाँ आप देखो बच्चे uy रिक्वायर्ड था, dy रिक्वायर्ड था, ये भी कैलकुलेट हो गया. सिमिलरली z एंड dz. अब हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं. सारी वैल्यूज आपके सामने कैलकुलेटेड है, अभी आप लोगों के नोट्स हमने देखे, काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने सॉल्व किया. इसी तरीके से कल भी आप लोग इसको सॉल्व करना अच्छे से, फिर नोट्स कर, जब आप सॉल्व करते हो तो परफेक्शन आता है कि नहीं हम कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं. यहां से अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं. इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या गिवन था, x रेज टू पावर l माइनस 1 y रेज टू पावर m माइनस 1 z रेज टू पावर n माइनस 1 dx dy dz. जब वैल्यूज रिप्लेस करना, केयरफुली रिप्लेस करना, ट्रिपल इंटीग्रल x इज इक्वल टू ए यू रेज टू पावर वन बाई पी होल रेज टू पावर एल माइनस वन, y वैल्यू वी वी रेज टू पावर वन बाई क्यू होल रेज टू पावर एम माइनस वन.
जेड वैल्यू सी डब्ल्यू वन बाई आर रेस टू पावर एन माइनस वन, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ जेड एंड डी एक्स. डी एक्स मीन्स ए बाई पी यू रेस टू पावर वन बाई पी माइनस वन, डी यू वैल्यू ऑफ डो ए बी बाई क्यू वी रेस टू पावर वन बाई क्यू माइनस वन डी वी एंड इंटू सी बाई आर डब्ल्यू रेस टू पावर वन बाई आर माइनस वन डी डब्ल्यू. जहां से आप सिंप्लीफिकेशन में आके आप डाइवर्ट होते हो और कुछ न कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो. इसमें आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, बड़ी केयरफुली जब सॉल्व करोगे तो जो रिक्वायर्ड है वो आपको आंसर दिखने लगेगा. चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको. एक यहां साइड में मैं सॉल्व करता हूं, इस पोर्शन को हम यहां कॉर्नर में सॉल्व कर रहे हैं. ए यू रेस टू पावर वन बाई पी होल रेस टू पावर एल माइनस वन. यहां से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ए रेस टू पावर एल माइनस वन, यहां से जब पावर मल्टीप्लाई हुआ तो यू रेस टू पावर एल माइनस वन बाई पी. इज इट क्लियर? सबको क्लियर होगा इसमें से. अब यहां से देखो, ए रेस टू पावर एल माइनस वन और यू रेस टू पावर सेपरेट कर देंगे इसको, एल बाई पी माइनस वन बाई पी. अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं. मीन्स आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ए रेस टू पावर एल माइनस वन यू रेस टू पावर एल बाई पी माइनस वन बाई पी बी रेस टू पावर एम माइनस वन सिमिलरली वी रेस टू पावर एम बाई क्यू माइनस वन बाई क्यू सी रेस टू पावर एन माइनस वन डब्ल्यू रेस टू पावर एन बाई आर माइनस वन बाई आर एंड डी एक्स इज इक्वल टू ए बाई पी यू रेस टू पावर वन बाई पी माइनस वन बी बाई क्यू वी रेस टू पावर वन बाई क्यू माइनस वन सी बाई आर डब्ल्यू रेस टू पावर वन बाई आर माइनस वन डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू. यहां से देखिए बच्चे, यहां ए बी सी ए बी सी ऑल आर कॉन्स्टेंट. सो आई इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एल बी रेस टू पावर एम सी रेस टू पावर एन अपॉन पी क्यू आर ऑल आर कॉन्स्टेंट इंटीग्रल. यहां देखिए बेस आपका यू है, यहां से बेस आपका यू, दोनों का पावर जब ऐड होगा तो एल बाई पी माइनस वन बाई पी प्लस वन बाई पी माइनस वन मीन्स यू इज रेस टू पावर एल बाई पी माइनस वन. सिमिलरली वी के पावर को हम लोग देखेंगे, वी के पावर देखो एम बाई क्यू माइनस वन बाई क्यू वी रेस टू पावर वन बाई क्यू माइनस वन माइनस एंड प्लस इज वन वी रेस टू पावर एम बाई क्यू माइनस वन एंड सिमिलरली इंटू डब्ल्यू रेस टू पावर एन बाई आर माइनस वन डी यू डी वी डी डब्ल्यू. और ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन लेके दिखा चुके हैं कि यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वन, यू पॉजिटिव वी पॉजिटिव एंड डब्ल्यू पॉजिटिव. तो हम इस पर आप डिरिचलेट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. देयर फॉर वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एल बी रेस टू पावर एम सी रेस टू पावर एन अपॉन पी क्यू आर गामा एल बाई पी गामा एम बाई क्यू गामा एन बाई आर अपॉन अपॉन एल बाई पी प्लस एम बाई क्यू प्लस एन बाई आर प्लस वन. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. काफी इजी है चैप्टर, इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन बेसिकली जब भी आप केयरफुली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तभी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला टू वेरिएबल यदि आपने प्रैक्टिस किया तो थ्री वेरिएबल जस्ट एक्सटेंशन है, एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं लगाना आपको. बेसिकली इसका एप्लीकेशन ढेर सारे हैं, इसका एप्लीकेशन एरिया में है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस मास ऑफ सरफेस सब में है. तो हम एप्लीकेशन पे भी आ जाते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एरिया ऑफ अ कर्व डी एक्स डी वाई, वॉल्यूम
वी इज इक्वल टू क्या होता था, ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड एंड थर्ड मास, एम इज इक्वल टू रो डी एक्स डी वाई डी जेड इफ रो इज नॉट ए कॉन्स्टेंट। ये एप्लीकेशन पार्ट पे है कि बाय यूजिंग डिरिचलेट हाउ वी कैलकुलेट एरिया ऑफ कर्व, वॉल्यूम ऑफ सर्फेसेस एंड मास ऑफ सर्फेसेस। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, सेम अप्रोच पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम एक क्वेश्चन एरिया का करेंगे आपके सामने, फिर एक वॉल्यूम का, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन, कैलकुलेट एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब आप सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, एलिप्स आप अच्छे से जानते हो, एलिप्स सारा सिमेट्रिकल होता है, इसके फोर पार्ट होते हैं 1 2 3 4। हमको कैलकुलेट क्या करना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला हम लिख देते हैं डी एक्स डी वाई। हम इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं, अपने फार्मूले से इवेल्युएट कर सकते हैं, बट कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि एक्स वाई मस्ट बी पॉजिटिव। हम पूरे होल इलिप्स का एरिया नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि इसमें एक्स वाई पॉजिटिव होगा, इसमें एक्स वाई पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ होल इलिप्स। तो हम फार्मूला अप्लाई करने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंसीडर करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर करेंगे तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, और जो रीजन हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मीन्स आपके पास एक कंडीशन आ गया, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही को कंसीडर किया, क्योंकि हमारा जो डिरिचलेट फार्मूला होता है उसमें हमारे जो वेरिएबल्स पे नॉन निगेटिविटी कंडीशंस हैं उसको अप्लाई करना होता है, इसलिए हम पूरे होल इलिप्स को कंसीडर नहीं किए, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स कंसीडर किए। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स आपका एरिया मिलेगा आपको, 4 से मल्टीप्लाई करो, यू कैन गेट एरिया ऑफ होल इलिप्स। तो इसलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर किया। रीजन है, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं 10+2 में भी आपने एरिया ऑफ इलिप्स फाइंड किया होगा, फिर लिमिट फाइंड करके स्ट्रिप लेके आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस या आइदर पैरेलल टू वाई एक्सिस भी एरिया फाइंड कर सकते हो। दैट इज थर्ड मेथड बाय यूजिंग डिरिचलेट फार्मूला। ठीक है, अब हमको इसको इवेल्युएट करना। अब क्वेश्चन चेंज, अब आपका ऑब्जेक्टिव यू हैव टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल अंडर दिस कंडीशन। जैसे ही हमने कंडीशन ऑब्जर्व किया, तो यहां देखा हमने कि यहां तो 1 है हमारा, बट यहां हमारा 1 वेरिएबल जो है डिग्री 1 का नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन मींस लेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी। मीन्स अगेन पावर ट्रांसफर, एक्स बाई ए इज इक्वल टू यू रेस्ट टू पावर हाफ, अगेन पावर ट्रांसफर, वाई बाई बी इज इक्वल टू वी रेस्ट टू पावर हाफ। मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए यू रेस्ट टू पावर हाफ एंड वाई इज इक्वल टू वी वी रेस्ट टू पावर हाफ। जैसे ही एक्स आया, आप डी एक्स और डी वाई भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे ए में। क्यों हम ये ए में रिप्लेस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने यू भी ज़ूम किया, तो यू प्लस वी इज इक्वल टू 1। एक्स पॉजिटिव है तो यू भी पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव है तो वी भी पॉजिटिव होगा। मीन्स हमारा इंटीग्रल जो एरिया था वो डी एक्स डी वाई था, इस पे हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन हम यू वी में कन्वर्ट कर देंगे तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स डबल इंटीग्रल डी एक्स की वैल्यू ए बाई टू यू रेस्ट टू पावर माइनस हाफ डी यू एंड बी बाई टू वी रेस्ट टू पावर माइनस हाफ। अब यहां से देखिए बच्चे, यहां से क्या हो गया, ए बी बाई फोर डबल इंटीग्रल यू रेस्ट टू पावर माइनस हाफ वी रेस्ट टू पावर माइनस हाफ डी यू डी वी। यहां पावर माइनस हाफ है, यहां भी पावर माइनस हाफ है, होना क्या चाहिए, पावर
एल माइनस वन के फॉर्म में, तो एल माइनस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो एल इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू। सिमिलरली एम माइनस वन इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो एम इज इक्वल टू वन बाई टू। सो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज ए बी बाई फोर डबल इंटीग्रल यू रेज टू पावर हाफ माइनस वन, इसको एल माइनस वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया हमने, वी रेज टू पावर हाफ माइनस वन डी यू डी। अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यू वी पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यू पॉजिटिव वी पॉजिटिव यू प्लस वी लेस देन इक्वल टू वन पावर एल माइनस वन एम माइनस वन, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू ए बी बाई फोर गामा हाफ, गामा हाफ एंड अपॉन गामा हाफ प्लस हाफ प्लस वन एल प्लस एम प्लस वन, मीन्स दिस इज इक्वल टू ए बी बाई फोर गामा हाफ मीन्स अंडर रूट पाई, गामा हाफ मीन्स अंडर रूट पाई एंड अपॉन वन प्लस वन प्लस दिस इज गामा टू, गामा टू ऑलरेडी आप जानते हैं दिस इज वन फैक्टोरियल, मीन्स एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स आ गया आपके पास ए बी बाई फोर पाई। ये आपने 10 प्लस 2 में सॉल्व भी किया होगा, होल इलिप्स का एरिया आपको याद भी होगा, आप लोग फार्मूले भी याद करते थे। आपने जो एरिया फाइंड किया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्यों हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया, एरिया ऑफ होल इलिप्स, होल इलिप्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स पाई ए बी बाई फोर एंड दिस इज इक्वल टू पाई ए बी, दिस इज आंसर।